पीजी जी वेलकम्स यू इन पीजी जी पॉइंट्स आज के सेशन में हम लोग छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के बीएड प्रथम वर्ष की जो परीक्षा आपकी सन 2018 में हुई थी उसकी बात कर रहे होंगे विषय आपका शिक्षा के समाजशास्त्रीय परिपेक्ष्य है ना आप बहुत से बच्चों का ये क्वेश्चन है कि मैम अगर आपके अनुसार या नाइन्टी परसेंट केसेज में या कॉलेज वगैरह में बताया जा रहा है पहले से कि एम पैटर्न हो सकता है आए है ना तो आप ये क्यों करवा रहे हैं मेरा ये पेपर करवाने का उद्देश्य मात्र इतना है कि आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल जाए ऐसा तो है नहीं कि आप डायरेक्टली एम सी क्यूज पढ़ लेते हैं हुँ? जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि सर्व शिक्षा अभियान क्या है कब हुआ लागू कैसे क्या, क्या चीजें हुई तब तक आप उनसे जुड़े हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर कैसे दे पाएंगे तो इसी वजह से मैं आपके लिए ये सेशन लाती हूँ इस सेशन में आपको अगर वो पुराने पेपर में पूछा गया है टॉपिक तो इट मीन्स कि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है है ना और अगर आप उनको रात में पढ़ के सो रहे हैं या वो टॉपिक आप किसी भी तरह कवर अप कर रहे हैं कहीं से भी पढ़ रहे हैं चाहे जी नोट से चाहे नोट से चाहे बुक से चाहे जो मैंने पढ़ाया है वहाँ से या टेलीग्राम पर फाइल्स के सेक्शन में जो पी पढ़ी हैं वहाँ से चाहे आप जहाँ से भी पढ़ रहे हों हम्म अगर आप वो पढ़ रहे हैं तो विश्वास मानिए कि आपके जो एम सी क्यू उससे बने हुए हैं वो अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे ठीक है सो so, आज के सेशन में हम लोग शुरू करने से पहले बस एक बात आपको और बताना चाहेंगे कि जो बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो सर्च कर लीजिए पीजी पॉइंट वहां पर आपको क्लासेस से पहले सारे लिंक्स वगैरह मिल जाते हैं या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स गिवेन है वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं उसके बाद मैं आपको बता दूँ पी पॉइंट के नाम से आपका ऐप बन चुका है जिसे आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं वहाँ पे उन क्लासेस की पी अवेलेबल हैं जो आपके टेलीग्राम पर अवेलेबल नहीं है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पी हैं वो आपको मिल जाएंगी ऐप पे ऐप का नाम पी जी पॉइंट कहाँ से आपको मिलेंगे तो पी जी पॉइंट आपको सर्च करना होगा प्ले स्टोर पे वहाँ पर आपको ऐप मिलेगा ठीक है तो शुरू करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न से पहला क्वेश्चन है आपका सामान्य तथा समावेशी बालकों में अंतर स्पष्ट करना है, है। राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं ये भी बताना है थर्ड क्वेश्चन है आपका सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से शिक्षा के क्या कार्य हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका निरंतर निरक्षरता उन्मूलन की आवश्यकता पर अपने संक्षिप्त विचार प्रस्तुत कीजिए भारतीय संविधान अनुच्छेद पैंतालीस का वर्णन करो अनुच्छेद पैंतालीस किससे संबंधित है इसका वर्णन आप कमेंट सेक्शन में कर रहे होंगे और हाँ जो बच्चे चुपचाप क्लास देख लेते हो व्यूज़ इतने आ जाते हैं हैं तो आप लोग क्या ये क्यों आंसर क्यों नहीं करते हो ऑफलाइन स्टूडेंट्स लगाऊँ लंका ऑनलाइन वालों की तो रोज़ ही लगती है लाइफ जो बच्चे हमारे आते हैं ऑफलाइन वालों का क्या करूं मैं कैसे इनको पटक के उठाएं आओ कभी लाइव तो फिर बताते हैं हम्म चुपचाप ये जो बच्चे क्लास ऑफलाइन देख रहे हैं चुपचाप आंसर आ जाए आप लोगों को भी आई बात समझ में आर्थिक ये ये नहीं कि छूट दे रखी है बाद में देखते हो क्लास तो इसका मतलब हम अपने मन की करेंगे हम्म क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए आर्थिक विकास का क्या अर्थ है क्वेश्चन नंबर सेवन शिक्षा अभियान का लक्ष्य लिखे अब लक्ष्य लिखिए यहाँ पे पूछा गया लेकिन आपको पूरा कवर करना है सर्व शिक्षा अभियान क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं ये भी सोचना है अब आप बी के एस्पिरेंट है तो आप सब कुछ सोच सकते हैं आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो इस लेवल पे है कि आप ये सोच पाएंगे थ्योरी पढ़ने के दौरान कि हाँ ये क्वेश्चन बन सकता है ठीक है भारत में शैक्षिक अवसरों की असमानता के प्रमुख कारण क्या है उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो अब जरा एक बार इसका इस ले लो, one, two, three, four question, चार क्वेश्चन का और उसके बाद फाइव सिक्स सेवन एट इन चारों का भी स्क्रीन शॉट ले लो एक बार वेरी गुड अब जरा देखते हैं लॉन्ग आंसर में क्या क्या पूछा गया है इससे तो लॉन्ग आंसर में पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया भारत में जनसंख्या शिक्षा की मुख्य समस्या है उनका समाधान कैसे किया जा सकता है अब जनसंख्या वाला टॉपिक आपको पूरा पढ़ना है इसको पढ़ने से आपको बहुत से लाभ मिलेंगे है ना और एक बार फटाफट से इसका भी स्क्रीन ले लो आप और क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा गया वंचित बालक किन्हें कहा जाता है वंचित बालक का टॉपिक तो मैं इतने अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ एक बार पढ़ा चुकी हूँ और जब इसके क्वेश्चन आंसर्स करवाए थे तब भी हमने टॉपिक पढ़ाया था फिर क्वेश्चन आंसर्स करवाए थे जिन बच्चों ने यह क्लास देखी है उनको पता होगा उसके बाद में इनके उत्थान है तो सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं ये भी आपको बताना होगा ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर्थ यहाँ पे है आपका राष्ट्रीय एकीकरण की क्या आवश्यकता है राष्ट्रीय एकीकरण में शिक्षक की क्या भूमिका होती है मतलब एज अ टीचर इनका क्या रोल होता है है ना राष्ट्रीय एकीकरण में ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है आपका विद्यालय और समाज में निकट संबंध स्थापित करने में शिक्षकों की क्या भूमिका होनी चाहिए ठीक है अब देखो एज अ टीचर क्या रोल होना चाहिए जो स्कूल है उनमें और सोसाइटी में एक अगर को रिलेशन स्थापित करना हो एक अगर बहुत प्यारा ऐसा कह सकते हैं एक बहुत निकट संबंध अगर स्थापित करना हो है ना तो ये सब टॉपिक्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें आपको पढ़ना होगा आपको लग रहा होगा कि नहीं मैम मैं इन इनपे ऐसे ही बहुत लिख दूंगा बिना पढ़े हुए तो आप इस भूल में नहीं रहिएगा पढ़िएगा ज़रूर क्यों क्योंकि वहाँ पर आपको हेडिंग्स की चीज़ें पता चल जाती हैं कि हम क्या क्या हेडिंग्स बना सकते हैं क्या क्या सब हेडिंग्स बना सकते हैं और उसके बाद में जब आप इसको पढ़ रहे होंगे तो उससे जुड़े हुए कुछ आर्टिकल्स होंगे है ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिनको आप पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा ठीक है सो पढ़ के लिखना और ऐसे ही लिखने में ज़मीन आसमान का अंतर होता है और एज अ प्रोफेसर या एज अ जो आपके कॉपी चेक कर रहे होते हैं उनको पता होता है कि जो लिखा है वो किसका लेवल क्या है है ना तो उसके बाद में कोई ये बच्चा ये ना कहे कि भाई नंबर तो ऐसे ही है अब देखो अभी तो ये बिल्कुल भी मैं नहीं कह पाऊँगी कि एकदम ही कि भैया एम सी है अभी पता नहीं कोई दो चार बच्चे थे वो कह रहे थे कि मैम कॉलेज वाले कह रहे हैं कि अब पेपर सब्जेक्टिव होंगे मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा है कि ये एक्चुअल में कर क्या रहे हैं है ना एक बार ज़रा इसका स्क्रीनशॉट ले लो लेकिन अभी तक जितना मैंने अपने एंड से पता किया है मेरे को यही पता चला है कि क्वेश्चन आप पेपर आपका एम सी क्यू पैटर्न पर आना है जितना हमने पता किया है अभी तक है ना अब क्या होता है चीज़ें भाई देखो जैसे आप हैं वैसे हम भी हैं हमको यूनिवर्सिटी से तो है नहीं है ना जो हम आपको एकदम क्लियरली बता पाएं और ना मेरी वहाँ के कोई जो है ऐसे एच डिपार्टमेंट के या किसी प्रोफेसर से बात हुई है ना जिनसे भी बात हुई है वो सब अनऑफिशियली है तो उसके बाद में देखिए महिला सशक्तिकरण हेतु केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा प्रायोजित किन्हीं दो योजनाओं की विवेचना कीजिए एक क्वेश्चन आपका ये बना सेकेंड है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ स्पष्ट कीजिए और भारत में धर्मनिरपेक्षता को अंगीकृत किए जाने के कारण पर प्रकाश डालिए ठीक है फिर इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो जरा एक बार फिर क्वेश्चन नंबर एट देखो जरा कि शिक्षा एक सामाजिक एवं गत्यात्मक प्रक्रिया है प्रक्रिया है इस कथन की व्याख्या करनी है और शिक्षा के उद्देश्य से संबंधित संवैधानिक मूल्यों का उल्लेख कीजिए इन दोनों का भी एक बार जरा फटाफट से स्क्रीन ले लो ठीक है तो ये हो गए आपके चार क्वेश्चन नंबर जो आपके खंड बा से संबंधित हैं ठीक है अब हम लोग कल बात कर रहे होंगे सी एस जी एम यू के शिक्षा के समाजशास्त्री के दो हज़ार उन्नीस के क्वेश्चन पेपर की ठीक है और उसके बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे उसके बाद में हम लोग करेंगे समान अभी वो बचा है ना आपका शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य उससे पहले हम आपको बता दें आज एक शाम को आपकी एक वो हुई थी क्वेश्चन एट्टी की पूरी एक मैराथन एक आपकी कल भी मैराथन हुई थी सौ प्रश्नों की तो ये जो मैराथन वाली पी हैं ये आपकी अवेलेबल हैं कहाँ है? पर अवेलेबल है ऐप पर अवेलेबल हैं आपके है ना तो आप वहाँ से क्या कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हैं और जो बच्चे कह रहे थे कि क्या मैम सिर्फ पेड ही कंटेंट है ऐसा कुछ भी नहीं है फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारा भी कंटेंट वहाँ पर अवेलेबल है ऑलरेडी और वो सारी पी मैं ऐसा नहीं है कि भर भर के पी डी एफ वहाँ पर दे दूँ ऐसा नहीं है वो जो क्वेश्चन एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही वही क्वेश्चन वही सारा कंटेंट आपको ऐप पर मिलेगा है ना तो आप जा करके वहाँ पर देख सकते हैं और उसके बाद में जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो एक बार फटाफट से लिख दो अपनों के लिए और उसके बाद में कर रहे हैं हम सेशन को एंड मिलते हैं हम आपसे कल शाम चार बजे है ना तो हमेशा खुश रहिए मुस्कुराते रहिए कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए टिल देन टेक केयर बाय बाय बड़ों से मेरे लिए आशीर्वाद लीजिएगा छोटों को मेरा आशीर्वाद दीजिएगा लव यू ऑल लव यू माई डियर क्लास अपना ध्यान रखिएगा